शुद्धेभ्यः ॐ नमः शुद्धेभ्यः ॐ नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। शुद्धों के लिए सब जगह ये लिखा गया जाता है कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित शुद्ध महंता। बहुत दिन के बाद याद आ गया, ये दौलत राम जी की पंक्ति है, छड़ाला की पंक्ति है, चट्टीडा। ज्ञान ही जिनका शरीर है और बाकी सब शरीर समाप्त हो गए तो कैसे हो गए इसको बताया जाए। तो कर्म जो है द्रव्य कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं और शरीर आदि नौ कर्म भी होते हैं। ये तीन प्रकार के मल होते हैं, इनका नाश होना अनिवार्य है। अब देखो, सर्वप्रथम हम घाटी कर्मों के नाश करते हैं उस समय क्षपक राज श्रवण राज क्या कर रहे हैं। द्वितीय शुक्ल ध्यान को उन्होंने प्रारंभ किया है ना, द्वितीय शुक्ल ध्यान। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान क्या काम करता है तो बारहवें गुणस्थान में मुख्य रूप से उसको वह प्रारंभ करता है। ध्यान तो एकाग्र चिंता निरुद्ध ध्यान में ये तो आप लोगों को ज्ञात है। जो ही ध्यान प्रारंभ कर दिया, आज तक इस प्रकार का ध्यान किया ही नहीं था। आर ध्यान रौद्र ध्यान अलग है और ये ध्यान अलग है। यह आर ध्यान रौद्र ध्यान हमेशा संसार के कारण परे मोक्ष हेतु अपरे संसार से हेतु ये कहा। तो जो ही यह द्वितीय शुक्ल ध्यान प्रारंभ कर देता है प्रथम समय में ही अपने अवतारिक शरीर में अनंत जो निगूढ़ जीव हैं उनमें से अनंतवा भाग निकाल करके फेंक देता है, मतलब अपने आप ही वो निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार यह क्रम रखता है, किंतु ये क्रम में अंतर ये अब आता है जो पूर्व में उसने अनंत जीवों को निकाला था उसे अनंत गुना दूसरे समय में निकालता, उससे अनंत गुना तीसरे समय में निकलता। इस प्रकार असंख्यात समय का अर्थ होता है एक प्रकार से असंख्यात प्रदेश जैसे लोकाकाश में है उतनी गुणे वह निकाल देता, तब कहीं जा कर के घाटे कर्मों का नाश कर जाता है। निवोदिया जीवों का निकाल करके अपने शरीर से बाहर प्रक्रिया क्या है इसका नाम ध्यान है। तो हिंसा है, आचार्य कहते हैं यह एक प्रकार से क्षय श्रमिक भाव की बात, शरीर का परिणाम ऐसा ही होता है। बारहवीं गुणस्थान तक क्षय श्रमिक भाव चलता है, फिर इसके उपरांत कवलाहार का नाश भी हो जाता है, भोजन की कोई आवश्यकता अब नहीं रही और यह शरीर क्या हुआ त्रिविध कर्म मल। तो कौन सा शरीर का अभाव हो गया, अभाव तो हुआ ही नहीं, जो कहते हो बना है शरीर नहीं। परम औदारिक शरीर का लाभ होता है और औदारिक शरीर का अभाव हो जाता जिसमें अनंत निगोदियों का वास है। आप लोग कहते हैं मैं हूं ना, काय के लिए हूँ,
निगोदराची जीवों को रखने के लिए। इसलिए आप भी अनंत कायिक शुद्ध होते हैं, सुन रहे हैं? हाँ, प्रत्येक शरीर तो है ही अपना, और इस प्रकार उसमें अनंत कायिक आप भी है। ये केंद्रीय ही अनंत कायिक है, ऐसा नहीं। आज तो अनंत कायिक आप भी है महाराज, आप भी है, सभी हैं। यहाँ पर कोई भी बेटा है तो वह पूरे पूरे अनंत कायिक है। इसलिए अब किसके लिए रक्षा करेंगे? स्वयं की भी रक्षा करो और दूसरे की भी रक्षा करो। नहीं है तो अनंत कायिक जीवों के हनन के लिए आप कारण बन सकते हैं और बनते चले जाते हैं। यह आपको किराए का मकान मिला है, आपका नहीं है। आप जैसे इसका स्वामी है, उसी प्रकार अनंत जीव इसके स्वामी है। इसलिए एक स्थान पर यह भी उल्लेख किया है, कोई भी व्यक्ति उपवास करता है तो उस उपवास के दिन में भी जो मशीन तो यंत्र तो चलता रहता है, यदि अन्न नहीं मिला तो जो मिला उसी को वह पीसता चला जाता है और रस का अवदान शरीर के लिए देता चला जाता है। यह प्रक्रिया आपकी चलेगी। इसलिए भत्ते वा खमने वा, चाहे भोजन हो चाहे उपवास हो, भोजन में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया, पूर्व के जीव अनंत समाप्त हो जाते हैं, नए सिरे से भोजन करते हैं। हम तो शाकाहारी हैं, बिल्कुल शाकाहारी हैं आप, लेकिन आहारी है, शाकाहारी है तो आहार भी तो होता है आपका। तो ये शरीर के भीतर रात दिन नाड़ी के फड़कन के साथ चल रहा है, अनाहत चल रहा है। अब कर्मों का क्षय हुआ तो उसी समय पर भावों का भी क्षय हुआ। भाव क्या रहा? तो जो कोई भी परिणाम तदमस्त अवस्था में होते हैं वो सारे सारे भाव कर्म हैं, क्योंकि योग भी एक प्रकार से भाव कर्म के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जिसके द्वारा बंद होता है ज्ञान आवरणादि का आठ कर्म और राग द्वेषादिक, राग द्वेष आदिक कहा आदिक में योग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्योंकि उसके द्वारा भी बंद होता है। ये दो हो गए। अब नौ कर्म तो शरीर था, वो परम औदारिक बना, मतलब जो कुछ भी उसमें निगोदियाओं का आवास था वह अब निर्मूल हो गया है। कौन से जीवों में निगोदियाओं का वास नहीं रहता है? तो आगम में तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़ाई ही है, उसको याद करो कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर उस शरीर में अनंतानंत जीव राज विद्यमान रहती है। उनको तो बाधित नहीं कर सकते, लेकिन बादर में तो है। बादर वनस्पति कायिक है, बादर अपकायिक है, बादर अग्निकायिक है, बादर वायुकायिक है, बादर पृथ्वी कायिक है। इन सबका आपके मन वचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से हो रहा। इसलिए हमें जो अनावश्यक है उसको छोड़ देना चाहिए, और आवश्यक है वो भी कम करें। हम बैठे हैं, श्वास थोड़ी जोर से लेते हैं, जोर से श्वास लेने से दूसरे की नींद भी, बोलो, कसते हो, उनके तो निद्रा ही भंग हो गए, खोर्राटा ले लो,
संयत रखो, खुराट न आए, इस प्रकार के भोजन लो, इस प्रकार के आप आचरण करो। संयत बनाना अनिवार्य है, शरीर को अपने नियंत्रण में रखो, यह संयम है। भूले बिना रह सकते हैं ऐसे करो, यह संयमन है। इसी प्रकार आप सोचते हैं, सोचते हो, सोचने तो दो महाराज कम से कम, नहीं आप सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? बैठे बैठे आप अब आपके वैरी के बारे में ये कब मरेगा ये सोचते हो, इसका भी कुछ होता तो होगा, आपका उसके साथ तालमेल है, इसलिए आपके सोचने से ऐसी वर्गनाओं का उत्पादन होना होता है और उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, उन जीवों को जाकर के वो टकराते हैं। आप इसका निषेध नहीं कर सकते, आपके वचन वहाँ तक चले जाते हैं, ये शब्द वर्गनाएं इनकी शक्ति बताई, जोर से बोलते हो दूसरे के कानों में बाधा होती है। अस्पताल चिकित्सालय यदि आ जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है, एक ज़्यादा जोर से हॉर्न मत बजाओ, एक परीक्षा चल रही है बच्चों की, लाउड क्या लाउड ध्वनि मत करो, ध्वनि मत दो। आपकी ध्वनि देने से, मत दो ध्वनि, गति में कमी आती स्वयं की और पराये भी, उनकी गति में आपके ध्वनि के कारण कमी आ सकती है, आती है स्वयं की भी। जिस समय हम गति देते हैं, ध्वनि देते हैं, उस समय गति में अवरोध करना पड़ता है। ये सारी सारी स्थितियाँ हमारे परोक्ष में जैसे हो रहे हैं, किंतु याद करने से शास्त्रीय आधार पर ये ज्ञात होता है कि हम चुप बैठ करके एक भी क्रिया नहीं कर पा रहे, पश्चाताप होना चाहिए। यह हमारे वजह से हो रहा, ये प्रायोगिक है, पुरुषार्थ जन्य है, इसके लिए हमने अपने पुरुषार्थ किया है। श्वास यदि नहीं लेते हैं घुटन पैदा हो जाता है, और इधर श्वास लेते हैं उस स्थान में क्या क्या हलचली होती है हमें याद नहीं होती। ऐसे ही शांत चित्त होकर के मन वचन और काय के ऊपर संयम रखते हुए वे मुनि महाराज बैठते हैं तो आपे को भूल जाते हैं, अपने आप को गुणमय रखना बड़ा कठिन संयम है। अवगुण तो आ ही जाते हैं, आने का उनका उपक्रम रुकता ही नहीं। श्वास ले रहे हैं, इसके लिए पुरुषार्थ मूलक मूलाचार्य में कहा गया, पंचवी इंद्रिय मुंडा, वच मुंडा, हत पाल तनु मुंडा, मन मुंडे ने सैया, दस मुंडा वंदिया समय। कम से कम मन का मुंडन तो कर लो, केस रुच करना अलग वस्तु और मन का मुंडन करना अलग वस्तु। आप यदि मन का नियंत्रण स्वयं नहीं रख सकते हो तो वर्गनाएं जो ग्रहण होती हैं वो आपके वैरी तक जा करके टकरा देते हैं। जैसे
कई लोग कहते हैं ना मूठ वगैरह चलाते हैं, मूठ चलाते हैं, पहले नहीं जानता था मैं मूठ क्या है, वही मुट्ठी समझता था। क्या तो हो गया, मूठ चलाने के उपरांत उसकी जिसके ऊपर चलाया उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, मरना सन्न हो जाता है और कई उसमें मर भी जाते हैं। आपका मन खेल नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन तीनों चेष्टाओं में। इसलिए किसी के प्रति भी आप ऐसा भाव मत करो जिसके द्वारा उसको और उससे कई गुना निकाचित कर्मों का बंद हो करके आपको भी उसके द्वारा तकलीफ दिया जाएगा। इस प्रकार परस्पर उपग्रह नहीं, परस्पर उपद्रव जीवाना हो रहा। यह असंयम मार्ग ना है, ऊपर संकल्प मात्र लेने से कुछ नहीं होता, किंतु भीतर से ये सारे सारे आयाम दूर होना चाहिए। इसलिए तीन मूलों से रहित होने के लिए जो साधना करते हैं वे धन्यवाद के पात्र तो है, लेकिन हमारे आदर्श हैं। हे भगवान, हमें भी इस प्रकार की क्षमता आ जाए, किंतु हम क्षमता है उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको पहले हम छोड़ें, संयत बने। संयत बनने के उपरांत भी संयत है क्या नहीं ये फिर देखें। जैसे दर्पण में आप देखते हो उसी प्रकार अपने मार्गनाओं में, अपने संयम साधनों में अपने चित्त को लगाओ। बैठे बैठे इधर उधर खुरापाती खुरापाती होते हैं, वो तो बहुत महान खुरापाती है, वो कहता है तुम भी तो कम थोड़ी हो हमसे। खुरापाती का क्या होता है, खुराओं को यूं गैया है, बैल है और श्वान कुत्ता है, खोलता रहता है, गुस्सा आता है, ये समुद्र घाट की प्रक्रिया है। इस प्रकार हम मन से यदि मान लो किसी के अहित कार्य के बारे में सोचते हैं, इसको अनर्थ दंड कहा और उसको दुर्ध्यान कहा, बल्कि रौद्र ध्यान की प्रक्रिया में यही कुछ हो जाता है बंधु। इसलिए मन वचन काय की चेष्टाओं का एक प्रकार से अध्ययन करो, उसमें शुभत्व आ जाए, उसमें कोमलत्व आ जाए, उसमें दूसरे के हित के बारे में सोच विचार आ जाए। अहिंसा परमो धर्म की